राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय की जदयू ने तीखी आलोचना की है। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसकी पूरी पटकथा बीजेपी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा अपील के लिए दिए गए एक महीने के समय को दरकिनार करते हुए आनन फानन में भाजपा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। काश केंद्र की सरकार 81,000 करोड़ के कारपोरेट घोटाले के विरुद्ध ऐसी ही त्वरित कार्रवाई करती। संभव है कि इसके जांच की मांग का खामियाजा राहुल गांधी को उठाना पड़ा। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की गई है उससे पूरा देश अचंभित है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक हो तब वर्षों पुराने एक मामले में सूरत की निचली अदालत द्वारा सजा देना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता, फिर तुरंत 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर देना यह सब अस्वाभाविक लगता है। चौधरी ने कहा कि राजनीति में इस तरह की घटनाएं अच्छा संकेत नहीं देती। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करना भाजपा की तानाशाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोकतंत्र और संविधान के साथ यह खिलवाड़ है। भाजपा विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। भाजपा ने 2024 की संभावना को लेकर अपना संतुलन खो दिया है। अभी समान विचारधारा वाले दल एक होकर मुकाबला करे। उधर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने को पिछड़े वर्ग के अपमान की सजा मिलने के बाद से जोड़े जाने के बीच जदयू ने नीतीश कुमार को पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव राजीव रंजन ने शुक्रवार को कहा कि अति पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी नीतीश कुमार हैं। अति पिछड़ा समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर कंकड़बाग स्थित उनके आवास पर स्वागत किया। राजीव रंजन ने कहा कि आजादी के बाद राज्य में कई मंत्री बने, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर अति पिछड़े समाज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही अति पिछड़ा समाज के लिए ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिससे कि अति पिछड़े समाज को विशेष लाभ मिल सके। नीतीश के कारण ही बिहार में हर गांव में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा पहुंच पाई। जीविका के माध्यम से महिलाओं में स्वावलंबन की भावना को जागृत किया गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।